जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जी पर। जैसा कि दोस्तों आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से आपका थर्ड फेज का RRC ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो 8 सितंबर सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 8 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं PDF लिखकर। और दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों आपका 2015 के इस विषय पूछा गया था। ये तो स्टेटिक्स जीके का आपका प्रश्न बन जाता है कि 2015 का स्कॉटहोम पुरस्कार किसे दिया गया है। प्रश्न आपका इस टाइप का नहीं था, प्रश्न आपका था कि 2015 में स्कॉटहोम में जो आपका आयोजन किया गया था, पुरस्कार से किस व्यक्ति को वाटरमैन कहा गया है। तो प्रश्न कोई हुई हो, आंसर आपका मिलना चाहिए। तो 20 मार्च 2015 को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित स्कॉटहोम वाटर प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका राजेंद्र सिंह बिल्कुल राइट आंसर था। वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय होंगे। तो आपका राजेंद्र सिंह आंसर था कि पुरस्कार से किस व्यक्ति को स्कॉटहोम में वाटरमैन कहा गया है। तो आपका राजेंद्र सिंह राइट आंसर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन था कि रेशम में कौन सा त्यौहार जो 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों रंगाली जो बिहू है वो असम का लोकप्रिय त्यौहार है। असम के 3 अलग संस्कृतियों में से एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असम प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। यद्यपि ये संस्कार प्रथाओं को उनके मूल मानते हैं, हालांकि उन लोगों को निश्चित शरीर सुविधाओं को अपना लिया है जो हाल ही में दशकों शरीर लोकप्रिय त्यौहार बन गया है। उनमें से 1 अप्रैल में मनाया जाने वाला समिया नवोस भी शामिल है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर था रंगाली बिहू आपका बिल्कुल राइट आंसर था। असम में 7 दिनों तक वही त्यौहार आपका मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पर है। तो आप सामने देख सकते हैं मंगलयान का जो चित्र आप देख रहे हैं वो आपका 2000 के नोट पर है। तो जो हाल ही में जब आपका नोटबंदी हुआ था उस कारण नोट बंद हुआ था, तो 500 और 1000 का उस कारण 2000 का नोट आपका लाया गया था। तो उस पर दोस्तों मंगलयान का आपका चित्र दिया गया था। तो 2000 का नोट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन तो इतना ईजी नहीं आया होगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो आपका पुरी होगा राइट आंसर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत को उड़ीसा राज्य के तटवर्ती श्री पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी है जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाता है। इस मंदिर को हिंदू को 4 धाम में से एक गिना जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ है, तो उड़ीसा पुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 72 को देश के वन जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवैध शिकार तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। तो 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन भी किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर भी बना दिया गया था। तो 1972 आपका राइट आंसर होगा। संशोधन पूछेगा तो 2003 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप पूछा गया था स्पर्श योजना किससे संबंधित है। तो सामने आप जो देख रहे हैं स्पर्श योजना ये अगर आपका क्वेश्चन होगा डाक टिकट संग्रह कृषि शिक्षा और अर्थव्यवस्था ऑप्शन दिया गया होगा। तो दोस्तों आपका डाक टिकट संग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका स्पर्श योजना यही वाला आया था या दूसरा आपका इसका आंसर था। स्पर्श योजना का जो पूरा नाम है दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना इस तरह आपका नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। आपके ऑप्शन में दिया गया था तेलुगु, मराठी, तमिल और बंगाली। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे बोली जाने वाली भाषा है। तो सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, हिंदी है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले की संख्या 41.03 से बढ़कर 43.63% हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपका बंगाली दूसरा नंबर पर है। तो बंगाली आपका छट गया। इसके बाद मराठी आपका तीसरा नंबर पर है। इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल, इसके बाद गुजराती है। तो दोस्तों आपको शायद ऑप्शन से आपका आया होगा कि ऑप्शन में जो सबसे कम बोली जाने वाला भाषा कौन सा है। तो आपका तमिल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हिंदू के बाद आपका हिंदी के बाद बंगाली है, बंगाली के बाद मराठी, बंगाली के बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल, तो लास्ट में तमिली है। तो आपका तमिल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 22 सूचीबद्ध भाषाओं में सबसे कम जो भाषा बोला जाता है आपका संस्कृत जो भाषा बोला जाता है, हालांकि आपका ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार आपका तमिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कावेरी नदी सहायक नदी कौन है। ये आपका शायद नहीं पूछा गया था, फिर भी देख लेते हैं अगर PDF में आ ही गया है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है, सिमसा हेमावती भवानी इसकी उपनदियां हैं। आपका ये प्रश्न था, प्रश्न आपका था गिरना और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, उसको भी लास्ट नीचे देखेंगे।
अगला दोस्तों इकड़वी अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, यह आपका प्रश्न आया था। तो भारतीय संविधान की इकड़वी अनुसूची 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो 93वें संविधान संशोधन 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया था। आपका सुबह की शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कितने विषय को रखा गया था। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे विषय आपको शामिल किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय आपके थे। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रश्न आपका आया था। प्रश्न आपका अलग टाइप का आया था, लेकिन शायद बहुत लोगों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ही प्रश्न है। तो आपका अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान का, किंतु ये समस्त नागरिकों किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता संविधान के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान की गया था। शायद आपको मिलान करने का आया था या क्या करने का आया था, शायद अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 था आपका लोक नियोजन, अनुच्छेद 17 आपका हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 का हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो जिस तरह का भी प्रश्न आया होगा आप अपना मिला लीजिएगा। अगला दोस्तों आया था आयुष महिला हॉकी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आयुष महिलाओं की 2022 का जो आयोजन है वो आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा आइस रिंग के नाम से एक उपलब्धि जुड़ने जा रही है। तो आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीता कौन था, तो जीता शायद आपका लेह लद्दाख था। लेह लद्दाख आपका आइस महिला हॉकी 24 का आयोजन किया गया है। ऐसे आपका ये हिमाचल प्रदेश ही राइट आंसर था। आपका आइस महिलाओं को भी 2022 का मेजबानी आपका वही किया था। अगला दोस्तों मेंडनी की आपा चांदी में कितने समूह वर्ग है। तो मेंडिफ का आया था या आपका आधुनिक आवासानी आया था, किस तरह का प्रश्न आया था उसको छोड़िए देख लेते हैं। आवासानी का जो आधुनिक रूप दिखाया गया उसमें 218 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो 18-7 आपका ऑप्शन में था, तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों मेंडली की आवासानी में देखें तो 9 समूह और 7 आवर्त है। इसके अलावा दोस्तों आपका प्रश्न आया था कि पीएच मान 6 से कम है तो क्या होगा, अब पीएच मान 9 है तो क्या होगा या 9 से कम है तो क्या होगा। तो पीएच मान अगर 6 से कम है तो दोस्तों आपका अम्लीय हो जाएगा, और पीएच 9 है या 9 से कम है तो आपका दोस्तों क्षारीय हो जाएगा। आपको सुबह के शिफ्ट में एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि पत्तियां जब भोजन बनाती है तो किस माध्यम से पेड़ों के हिस्सों में पहुँचता है। तो दोस्तों आपका फ्लोएम समन उत्तक के द्वारा पहुंचता है, इसे विष्ट भी कहा जाता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ये समन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य पत्तियों के द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज पदार्थ का श्रवण पौधे की अनुभक्तक करना है। तो आपका फ्लोएम बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया था स्वतंत्रता के पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था आपका ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक विकास का स्तर निम्न था, कृषि पर अधिक निर्भरता थी, आधारभूत संरचना बहुत पिछड़ी व्यवस्था में था, आयतों पर अधिक निर्भरता थी, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्हें इच्छा था, जिसे सामाजिक चुनौतियों भारत में विद्यमान थी। अगला दोस्तों पूछा गया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्व हैं। तो यह पाया गया कि अष्टक का जो नियम है केवल कैल्शियम था लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण नहीं थे। न्यूलैंड ने मान लिया था कि प्रकृति में केवल 200 आपका कितना 56 तत्व हैं। तो आपका न्यूलैंड के नियम के अनुसार आपका सिर्फ और सिर्फ 56 तत्व ही थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन था आपका कि कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था। तो कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, आपका प्रश्न आपका थोड़ा सा और भी लॉन्ग में था कि 7वें नंबर पर आकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है कपिल देव के नाम पर था, वो किसने तोड़ा था। तो ये दोस्तों आप जडेजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जडेजा 7वें नंबर पर भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने कपिल देव का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और कपिल देव ने 1986 में कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ 7वें नंबर पर आकर 163 रन बनाए थे। जडेजा ने अपने मैच में टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया था। इसके अलावा दोस्तों कपिल शर्मा का एक और रिकॉर्ड है जो कि ऋषभ पंत के द्वारा तोड़ा गया है। तो ऋषभ पंत ने भारत के टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड कपिल देव का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये आपका अगले सेट में आ सकता है, हालांकि ये आपका राइट आंसर रविंद्र जडेजा था। अगला पूछा गया था दोस्तों सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है। तो इसको आपको रामदर्श मिश्र जी को दिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज दिवस भी शायद आपका आया था, शायद मैं अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो नॉलेज लेने में क्या है। तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था पुष्प में मादा जनन अंग क्या है, तो अंडम या काटेल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, पुष्प में मादा जनन अंग। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों आपका गिरना और पुन्ना किस नदी की सहायक नदी है। तो गिरना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बनने वाली एक नदी है, ये ताप्ती नदी
का एक उपनदी है। तो ताप्ती नदी आपका ऑप्शन में था, तो ताप्ती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम घाट में उत्पन्न होती है और फिर नासिक जिले से निकलती है, इसमें मौसम नदी विलय कहते हैं। फिर उत्तर दिशा में बहकर ये जलगांव जिले में ताप्ती नदी में विलय हो जाती है, तो ताप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब गिरना नदी आपका ताप्ती नदी का सहायक नदी है, तो पूना नदी भी ऑब्वियसली उसी नदी की सहायक नदी होगा। अगला दोस्तों कि CnH2n प्लेसेन में कार्बन की संख्या 5 है, तो उसका नाम आपको शायद बताना था, तो पेंटेन इसका नाम था, जिसका जो सूत्र होता है C5H12, इसका सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 12 वाट का आपका शक्ति दिया गया था, 6 वाट विभवांतर दिया गया था, धारा का मान निकालना था, इसको आपको ओम के नियम से बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका दो ऑप्शन में था शायद, तो आपका दो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको PDF में ऐड कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।